ये हमारा एक छोटू सा पैकेट है जिसका नाम है ATMT Pro एंटी थिफ्ट मोबाइल ट्रैकर ऐप। ये एक ऐसा ऐप है जिसके अंदर इतने अच्छे फीचर्स हैं जो सुन के और देख के आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं हम इसके कुछ ऐसे फीचर्स जिससे आपका मोबाइल अगर कहीं भी खो जाए तो आप उसे ट्रैक कर सके आराम से। तो इसको हम एक स्टोरी के थ्रू जानेंगे कि अगर आपका फोन खो जाता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपको किसी भी अननोन नंबर से भेजना है ATMT ट्रैक। तो ये नंबर मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है एज अ इमरजेंसी नंबर इस फोन के ऐप पे जो कि ATMT प्रो है। तो ऑलरेडी मैंने ये नंबर सेव कर रखा है इसके अंदर। इस नंबर से हम इसके भेजेंगे ATMT ट्रैक। सब कुछ कैपिटल लेटर में होना चाहिए। जैसे ही ये मैसेज इस फोन पर रिफ्लेक्ट होगा स्क्रीन वाइट हो गई तो आप थोड़ी देर हम वेट करेंगे ताकि मैसेज आ सके। ये देखिए तुरंत ये मैसेज आ गए यहाँ पे अंजलि इज एन इमरजेंसी फोटो। ये उस बंदे की फोटो जिसने आपका फोन चुराया है और उसकी लोकेशन वो कहाँ है। तो आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं कि आपका फोन कहाँ है और ये फोटो भी देख सकते हैं कि किसने आपका फोन चुराया है। तो अगर अब फोन चोरी हो गया और आप लोकेशन पे पहुंच गए अब आपको पर्टिकुलरली ये जानना है कि आपका ये फोन किसके हाथ में है या किसके पास है। तो एक बहुत ही अच्छा फीचर है इसके अंदर आपको किसी भी अननोन नंबर से ATMT ऑल्ट का मैसेज सेंड करना है आपके इस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का। और ये सायरन तब तक ऑफ नहीं होगा जब तक मैं किसी अननोन नंबर से ATMT ALTT सेंड नहीं करूंगी। तो देखिए जैसे ही इस नंबर पे ये मैसेज रिफ्लेक्ट होगा वैसे ही सायरन ऑफ हो जाता है हमारा। तो अब देखते हैं कि अगर ये तो बहुत ही अच्छे फीचर्स थे, नेक्स्ट फीचर इसका ये है कि अगर कोई पर्सन फोन स्विच ऑफ कर देता है चोरी करके तो क्या होगा। पहली बात इसमें एक इतना अच्छा फीचर है कि फोन स्विच ऑफ ही नहीं होगा। तो मैं आपको वो फीचर दिखाती हूँ। ये हमारा ऐप है ATMT प्रो। यहाँ पे ऑप्शन में आता है डू नॉट पावर ऑफ, इसको आपने ऑन रखना है जो कि मैंने पहले से ऑन करके रखा हुआ है। अब मैं फोन को लॉक करती हूँ और स्विच ऑफ करने की कोशिश करती हूँ तो देखिए क्या होगा। ये देखिए इसका जो पावर ऑफ बटन है वो रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो फोन आपका स्विच ऑफ नहीं होगा। उसके बाद और दो फीचर्स हैं जो कि इसमें बहुत अच्छे हैं, अब हम वो जानते हैं। तो मैम एक और चीज मुझे कन्फर्म करनी थी, सपोज करो अगर कोई अपने घर से निकलता है और उसकी जो फ़ोन की जो बैटरी होती है वो कई बार 100% चार्ज होती नहीं है, ये सपोज़ करो 5% या फिर 10% उसकी जो बैटरी है वो चार्ज हुई और सडनली क्या हुआ कि उनका जो मोबाइल है वो स्विच ऑफ हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा। देखिए सबसे पहले ये जो हमारा फीचर है इसमें अदर और की सिचुएशन होती है। पहली बात तो अगर बैटरी नहीं है फ़ोन में तो फ़ोन स्विच ऑफ ऑब्वियसली हो जाएगा, पर अगर जैसे ही ऑफ होता है फ़ोन तो अगर फ़ोन ऑफ है तो कोई ऐप काम नहीं करेगा, बट जैसे ही फोन स्विच ऑन होएगा और वो चोर आपका फोन स्विच ऑन करने की कोशिश करता है जैसे ही, तो वैसे ही यहाँ पे स्क्रीन वाइट हो जाता है और आपके इमरजेंसी नंबर पे फोटो और लोकेशन तुरंत आ जाएगा। ओके एक और चीज कंफर्म करनी थी, सबसे पहले क्या होता है कि अगर कोई भी चोर होता है वो क्या करता है कि अगर किसी को मोबाइल मिलता है तो सबसे पहले क्या करेगा, स्विच ऑफ करने की कोशिश करेगा, जैसे कि आपने बताया स्विच ऑफ तो होगा ही नहीं। दूसरा उसकी बैटरी निकालने की कोशिश करेगा, बैटरी भी नहीं निकलेगी क्योंकि आपको पता है कि आजकल इनबिल्ट बैटरी होती है हर मोबाइल में। और तीसरा क्या करेगा, वो सिम निकालने की कोशिश करेगा। अगर वो सिम निकाल लेता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, अपनी सिम डालेगा वो जी।
तो उस कंडीशन में क्या होगा वो प्रॉपर बताइए आप। इसमें भी हमारे पास एक बहुत ही अच्छा फीचर है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं अनऑथराइज्ड सिम आइडेंटिफिकेशन। अगर कोई दूसरी सिम डालने की कोशिश करता है आपके इस मोबाइल नंबर में, इस मोबाइल स्लॉट में, तो क्या होता है, जैसे ही वो सिम नंबर इसके अंदर डालेगा, सिम तो डाल लेगा पर उसकी इनकमिंग और आउटगोइंग बंद हो जाएगी और आपके इमरजेंसी नंबर पे फोटो और लोकेशन आ जाएगा। अगर आपको और भी डिटेल्स चाहिए कि वो सिम नंबर किसका है, उसका 18 डिजिट ऑफ पिन नंबर क्या है और जिसने वो सिम लगाई है उसकी फोटो और लोकेशन क्या है, तो एक बहुत ही अच्छा फीचर होता है हमारा, मैं आपको बताती हूँ। आपको गूगल क्रोम पे जाना है और यहाँ पे ATMT का पोर्टल खोलना है। ATMT के पोर्टल को ओपन करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है यूजर, इस पर क्लिक करेंगे और इस पर वो ईमेल और पासवर्ड डालेंगे जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम ऐप में डाला था। तो यहाँ पे मैंने अपना डाला हुआ है, मेरा ईमेल ऑलरेडी सेव है इसके अंदर और मैं पासवर्ड डालूंगी और लॉगिन करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे मेजर डिटेल्स आ जाएंगी कि क्या नंबर, क्या ईमेल है, क्या मेरी पूरी डिटेल्स आ जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे साइड में जाइए, यहाँ पे है इंट्रूडर डिटेल्स, जिसने आपका फ़ोन चुराया है। अभी तो इसमें मेरी सिम है इसलिए अभी इसमें मेजर डिटेल्स आएंगी, तो जैसे ही ये मैं ऑन करूँगी यहाँ पे ये बार, ये देखिए इमरजेंसी कॉन्टैक्ट 18 डिजिट ऑफ पिन नंबर यहाँ पे आ गया, ठीक है, जिससे कि आप सिम का पूरी डिटेल्स निकाल सकते हैं कि सिम किसकी है और किसके नाम से है और उसकी फ़ोटो और लोकेशन। यहाँ से लोकेशन आप कॉपी पेस्ट करेंगे और लोकेशन खुल जाएगी, तो आप पता लगा सकते हैं कि जिसने न्यू सिम लगाई है उसकी फ़ोटो, ये देखिए फ़ोटो भी आ रही है क्योंकि मैंने फ़ोन इस तरफ कर रखा था तो फ़ोटो ब्लर हो गई है थोड़ी, ये फ़ोटो आ गई, ये लोकेशन और ये उसका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट जिसने 18 डिजिट ऑफ पिन नंबर उस सिम का आ गया जो सिम नई लगाई थी इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट फीचर क्या होगा मैडम इसमें? सर नेक्स्ट फीचर तो और भी बहुत अच्छे फीचर है, जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल की फीमेल सेफ नहीं है हमारी कंट्री में, ठीक है, तो उस वक्त हम क्या कर सकते हैं इमरजेंसी में, क्योंकि अगर मैं ही कहीं परेशान हूँ और डर जाती हूँ, फीमेल्स का क्या होता है कि बहुत जल्दी थोड़ा डर जाती हैं, तो अगर वो डर जाती है तुरंत तो वो क्या कर सकती हैं, तो आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, ये बटन कम से कम मिनिमम 5 times, आपका ये जो पावर बटन है मिनिमम 5 times प्रेस करना है, उससे ज़्यादा भी प्रेस कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे 5 times और उससे ज़्यादा ऑन ऑफ करूँगी। देखिए यहाँ पे स्क्रीन वाइट हो गया, मतलब अब क्या है आपका ये जो ऐप है वर्क करना स्टार्ट कर दिया, तो आपका जो सेफ नंबर है, आपके घर वालों का नंबर आप सेव कर सकते हो, उस पर आपका तुरंत फोटो लोकेशन आ जाएगा और आप उनको पता लग जाएगा कि उनकी जो डॉटर है वो कहाँ पे है, उनकी लोकेशन क्या है और उनकी फ़ोटो क्या है। और एक बहुत ही अच्छा फीचर इसमें ये है कि अगर आप फ़ोन ऐसे रख कर आप अगर कोई आपको परेशान कर रहा है उसकी तरफ रखते हैं तो उसकी भी फ़ोटो आ जाएगी, तो ये आपको आगे हेल्प करेगा। तो देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया है, ये देखिए ATMT हब से यहाँ पे अंजलि इज इन इमरजेंसी, यहाँ पे फोटो आ गई और लोकेशन आ गई, ठीक है। तो और इसमें एक बहुत ही अच्छा फीचर है कि मान लीजिए अगर आपका फ़ोन कोई अनलॉक करने की कोशिश करता है और उसको आपका पासवर्ड नहीं पता और वो पासवर्ड तोड़ने की कोशिश कर रहा है तो क्या होगा, तो आपको क्या करना है, मान लीजिए कोई फैमिली मेंबर ही आपका फ़ोन अनलॉक करने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें एक बहुत ही अच्छा फीचर है 3 times रॉन्ग पासवर्ड का। तो अगर कोई 3 times रॉन्ग पासवर्ड डालता है देखिए इसमें मैंने 3 times रॉन्ग पासवर्ड डाला और स्क्रीन वाइट हो गई, मतलब ऐप ने काम करना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पे थोड़ी देर में मैसेज आएगा कि ओके, तो जो मैसेज आता है वो डिपेंड करता है ऑपरेटर के ऊपर, आइडिया एयरटेल वोडाफोन कौन सी कंपनी जो ऑपरेटर है उसका, उसके अकॉर्डिंग मैसेज आएगा, इसमें जल्दी भी आ सकता है थोड़ा सा डिले भी हो सकता है। हाँ जी सर, क्योंकि हम तो यहाँ से, तो इसमें आपका कोई डिफॉल्ट नहीं है क्योंकि यहाँ से तो सर्वर पे हमने भेज दिया, ठीक है, अब ऑपरेटर कितनी देर में क्या डाटा है, क्या क्या नेटवर्क है, उस हिसाब से लोकेशन और फोटो आती है, ठीक है। देखिए
जैसे कि थोड़े टाइम में यहाँ पे फोटो और लोकेशन दोनों आ गई है। ये यहाँ से आप उसकी फोटो देख सकते हैं, यहाँ से आप लोकेशन देख सकते हैं कि आपके पीछे आपका कौन सा फैमिली मेंबर आपका फोन अनलॉक करने की कोशिश कर रहा है। क्लिक कीजिए, एक बार दिखाइए। जी सर, बिल्कुल। ये देखिए, अभी फोन मैंने इस तरफ कर रखा था तो फोटो इस तरफ की आई है। ओके, फीचर इसमें और भी इसमें बहुत अच्छे फीचर है, जैसे कि बैकअप माई कॉन्टैक्ट एंड मैसेज। आपको अलग से कुछ जरूरत नहीं है बैकअप माई कॉन्टैक्ट एंड अलग से मैसेज आपका बैकअप करने की। इसमें एक बहुत अच्छा फीचर है, जैसे कि आप ऐप खोलोगे, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, जो यहाँ पे एक साइड में बार है उसको ऑन किया और यहाँ पे किया बैकअप माई कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट बैकअप हो गए। और इसमें इतना अच्छा फीचर है कि आपको अगर व्हाट्सएप पे सेंड करना है, आपको अपने ईमेल में सेव करना है, तो वो भी कर सकते हो। उसके बाद इसमें एक इतना अच्छा फीचर है कि मान लीजिए अगर आपके पीछे कोई आपका फैमिली बैकग्राउंड, कोई फैमिली मेंबर आपका फ़ोन अनलॉक करता है और आपको देखना है कि मेरे पीछे मेरा फ़ोन अनलॉक तो नहीं हुआ, तो उसके लिए क्या करना है, जैसे ही आप ऐप खोलते हो यहाँ पर लिखा आ जाता है कि आपका फ़ोन कितनी बार अनलॉक हुआ है और कितनी बार लॉक हुआ है। तो जैसे ही अगर कोई पीछे आपका फ़ोन अनलॉक करता है तो वहाँ पे टाइमिंग शो करेगा कि आपके पीछे आपका फ़ोन कितनी बार अनलॉक किया है और कितने टाइम पे अनलॉक हुआ है। एक और चीज़ कंफर्म करना चाहूँगा, जिस किसी को भी मोबाइल मिलेगा पहले तो खुद अटेम्प्ट करेगा, अटेम्प्ट ना होने के बाद वो क्या करेगा, मोबाइल इंजीनियर के पास जाएगा। वो क्या करेगा कि इसको, जो मोबाइल इंजीनियर्स होते हैं, इसको फॉर्मेट करने की कोशिश करेंगे। और जो मोबाइल फॉर्मेट होता है, जाहिर सी बात है, डाटा केबल के थ्रू होता है। तो क्या डाटा केबल के थ्रू अपना हमारा जो पर्सनल कुछ उसमें डाटा पड़ा होता है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, तो क्या वो कॉपी कर सकता है या फिर हमारा मोबाइल फॉर्मेट कर सकता है? नो सर, नहीं कर सकता। इसमें एक बहुत अच्छा फीचर है, स्टॉप यूएसबी। देखिए, जैसे कि मैंने ये ऐप खोल रखा है, अगर आपने यहाँ पे स्टॉप यूएसबी ऑन कर रखा है, स्टॉप यूएसबी अगर यहाँ पे ऑन है, तो अगर कोई पीसी या लैपटॉप में यूएसबी लगा के फाइल ट्रांसफर करने की कोशिश करेगा तो ये जो जैक है हमारा, ये खुद ब खुद डिसेबल हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा और डाटा ट्रांसफर नहीं होगा। और क्या फीचर्स होंगे सर? और भी इसमें इतने अच्छे फीचर्स हैं, जैसे कि रैम बूस्टर का। आपको अलग से इसमें क्लीनर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, बूस्टर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आप इसी एक ऐप के थ्रू रैम बूस्ट कर सकते हैं, आप अपना बैटरी ड्रेन होने से बचा सकते हैं, आप अपना इसका पावर बैकअप एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो दूसरा फीचर है ऐप लॉक का, कि अगर आप चाहते हो कि अगर आपका ऐप लॉक्ड रहे और कोई और खोल के ना दिखे, तो इसके अंदर एक फीचर है ऐप लॉक। यहाँ पे गए और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऐप लॉक, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि इसमें लॉक लगा सकते हैं। और इसमें एक और फीचर है कि मान लीजिए अगर आप AT&T प्रो रन कर रहे हैं अपने फ़ोन में और आप नहीं चाहते कि कोई देखे कि आप AT&T प्रो रन कर रहे हैं अपने फ़ोन में, तो आपको किसी भी अननोन नंबर से AT&T हाइड का मैसेज सेंड करना है इस फ़ोन पे। ये चीज़ ट्राई नहीं करनी है, पर ऐसा आप कर सकते हो, हाइड कर सकते हो। और अगर वापस उसे शो करना है तो आपको किसी भी अननोन नंबर से मैसेज सेंड करना होगा, शो AT&T। ओके, एक और चीज़ मुझे मैम कन्फर्म करनी थी। कई बार क्या होता है कि जैसे मैं आपको पहले ही बताया कि हमारा कुछ फ़ोन में बहुत पर्सनल चीज़ें होती हैं, हमारा पर्सनल डेटा भी होता है उसमें, तो क्या हम, जैसे सपोज करो हमें लग रहा है कि हमारा फ़ोन हमें मिल नहीं पाएगा और हम चाहते हैं कि हमारे डेटा को फॉर्मेट करना चाहते हैं, तो क्या रिमोटली वो डेटा फॉर्मेट हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है सर। इसमें एक हमारा, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा कोई पर्सनल डाटा इसके अंदर ना देखे, तो हमें किसी भी अननोन नंबर से सेंड करना है AT&T रैप, WRAP रैप सेंड करेंगे और इसका जो डाटा है वो सारा इसमें से फॉर्मेट हो जाएगा और कोई भी आपका फैमिली मेंबर या कोई भी अननोन पर्सन जो आपका फ़ोन खोल के कोशिश कर रहा है कि इसमें डाटा देखूं, इंटरनल स्टोरेज फोटोज देखने की कोशिश कर रहा है, वो नहीं देख पाएगा क्योंकि आप ऑलरेडी रिमोटली इस फ़ोन से अपना डाटा फॉर्मेट कर सकते हो। तो अब हम जानते हैं कि अगर हमारा फ़ोन साइलेंट पे है या अगर वो चोर फ़ोन साइलेंट कर देता है तो क्या साइलेंट बजेगा, देखते हैं। तो मैंने ये फ़ोन ऑलरेडी साइलेंट कर दिया है, देखिए ऑलरेडी मैंने यहाँ पे म्यूट कर दिया है। तो अब हम देखते हैं कि अगर हम AT&T ऑल्ट किसी अननोन नंबर से सेंड करते हैं तो क्या होता है, तो साइलेंट बजता है कि नहीं बजता है? तो देखिए मैं यहाँ पे सेंड करती हूँ AT&T ऑल्ट।
ये देखिए फोन साइलेंट पे है बट फिर भी साइलेंट बज रहा है, ये देखिए। अगर मैं आपको ऊपर दिखाऊं तो देखिए म्यूट जो म्यूट ऑप्शन है हमारे फोन का वो खुद ब खुद डिसेबल हो गया। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा फीचर है। सर ये साइलेंट क्लोज करने के लिए जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया ATMT ALTT का मैसेज सेंड करना पड़ेगा। देखिए जैसे ये मैसेज यहाँ रिफ्लेक्ट हुआ ये सायरन अपने आप ही ऑफ हो गया। अब हम जानते हैं कि अगर हमारे फोन का डाटा ऑफ है या चोर ने डाटा ऑफ कर दिया तो क्या लोकेशन आएगी हमारे फोन पे? सिम निकालने के बाद ऑब्वियसली कि डाटा ऑफ हो जाएगा, नेटवर्क नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल। तो अगर वाईफाई डाटा नहीं है फोन में कनेक्टेड तभी भी लोकेशन आएगी, पर लोकेशन आएगी हमारी कोड में। तो अब जानते हैं कि कैसे लोकेशन आएगी। मान लीजिए इस फोन का डाटा ऑफ है, ठीक है, मैंने ऑलरेडी डाटा यहाँ से ऑफ कर दिया है और मैं ATMT ट्रैक का मैसेज सेंड करती हूँ किसी अननोन नंबर से। ये देखिए मैसेज यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया है और मेरे को तुरंत मैसेज आ गया है यहाँ पे। ये देखिए अंजलि मोबाइल लोकेशन ट्रैकर सेल, यहाँ पे कुछ कोड्स दिए हैं जो लिंक इसमें है, आपको उस पर क्लिक करना है और ओपन करना है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे यहाँ पे आएगा ट्रैक मोबाइल लोकेशन ऑफलाइन, यहाँ पे दिया हुआ है मोबाइल कंट्री कोड, मोबाइल नेटवर्क कोड, लोकेशन एरिया कोड और सेल आईडी। और आपको यहाँ पे क्या फिल करना है ये देखिए, तो यहाँ पे आपको सेल आईडी दी है, आपको वहाँ पे फिल करनी है, LAC कोड वहाँ पे फिल करना है, MCC कोड वहाँ फिल करना है और MNC फिल कोड करना है। जैसे आप ये कोड वहाँ फिल करेंगे और ट्रैक करेंगे आपकी लोकेशन ट्रैक हो जाएगी। नेक्स्ट कि अगर आपको ये छोटू सा पैकेट लेना है जिसमें इतना बड़ा धमाका है तो आपको क्या करना होगा, आपको सिर्फ 5000 की इन्वेस्टमेंट करनी है जिसकी इसका पर पैकेट का कॉस्ट है 250 रुपीज़। आपको कम से कम हमसे 20 कोड लेने पड़ेंगे। कोड मतलब ये ऐप है जिसके थ्रू इसमें एक कोड आता है, इसमें आपको एक कोड मिलेगा, एक्टिवेशन कोड मिलेगा। जैसे ही ऐप आप डाउनलोड करेंगे तो आपको वो मांगेगा एक्टिवेशन कोड, वो एक्टिवेशन कोड आपको इसमें मिलेगा। वो एक्टिवेशन कोड आपको जैसे ही हमसे खरीदेंगे और अपने मोबाइल ऐप में डालेंगे आपका ऐप तुरंत एक्टिव हो जाएगा। तो आपको सामने मोबाइल नंबर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, आपको सिर्फ उस पर इतना भेजना है आई एम इंटरेस्टेड और आप उस मोबाइल नंबर पे हमें कॉल भी कर सकते हैं इन बिटवीन 10 to 6 सिर्फ ऑफिस टाइमिंग पे। आपको ये ATMT का प्रो एक्टिवेशन लिंक में एक्टिवेशन कोड मिलेगा, इसके अंदर आपका मैनुअल गाइड होगी एक और आपको ये एडवर्टीजमेंट चार्ट मिलेगा जिसके थ्रू आप कस्टमर को समझा सकते हैं और एडवर्टीजमेंट के लिए एडवर्टीज कर सकते हैं अपनी शॉप पे। थैंक यू।